प्रेशर मत देना खाली, है ना, प्रेशर मत दो, गप करो, गप में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास टेंथ गप मेरा का छूटेगा तो ना फिर से आएगा जितना लेके पढ़ने के लिए, नहीं तो कैसे आएगा, आंख से कमा रहे चलो जी साफ पे गन बैठा से विदेश एसिड एसिड बेस और क्या पेज नंबर 1 समझ में आ गया, हल्ला करो, इसीलिए हल्ला करना जरूरी है ना क्लास में, जितना गप करेगा हम ही को फायदा है, अगले बार हमने मतलब किसी के पास तो जाएगा ना, किसी के पास तो जाएगा ना पढ़ने के लिए, मास्टर रोजा ड्यूटी मिला ना तो फिर ऐसे भी लॉकडाउन मार कर कमाई नहीं हो रहा है किसी को, क्या तरीका है अरे आठ कहाँ चाहिए हिंदी संग कचरा में ढेरी सर्च नहीं हो जाने चाहिए हम कथा भी करवे करते हो जैसे कल हम लोग अम्ल के बारे में सारा चीज डिस्कस किए थे, आज उसी प्रकार से हम लोग क्षारक के बारे में डिस्कस करेंगे, सारा टॉपिक आगे से जाओ, आगे सटो यहाँ से, क्षारक जिसका इंग्लिश होता है अब जो कुछ चीज डिस्कस करेंगे यहाँ तक डिस्कस करेंगे, एक डेढ़ पेज तुम पहले से पढ़े हो इसीलिए काम तो खोल करके बताए थे पहले से, क्षारक वह रासायनिक पदार्थ है जो लाल लेखन पत्र को नीला कर देता है, अनिल लो लाल को कर देगा नीला, पढ़े हो हाँ, अम्ल करेगा नीला को लाल, क्षार करेगा लाल को नीला, सुनना है खाली, डिस्कस मत करो, जिसका स्वाद तीखा होता है, जैसे क्षार का एग्जांपल दिए हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्षार हो गया, क्षार धातु का हाइड्रोजन होता है, क्षारक क्या होता है, धातु के हाइड्रोक्साइड को ही क्षारक कहते हैं, MgOH धातु हाइड्रोक्साइड हुआ, इसी को क्या कहा जाता है क्षारक, क्षारक, फिर हम लोग क्षार के बारे में बोले थे, कहने अल्कली है ना, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे कौन कौन जल में घुलन घुल जाएगा NaOH COH होती है, सब जल में घुल जाएगा, क्षारक को क्षार मंत्र क्या बताए थे, सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं, छोटा अक्षर जितना छोटा अक्षर सब बड़का अक्षर है, लेकिन सही बड़का अक्षर से छोटा अक्षर नहीं होता, इसे रखो याद, इसीलिए सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्षारक दो प्रकार, क्षारक के प्रकार, क्षारक दो प्रकार के होते हैं, सबल क्षारक दुर्बल क्षारक, जैसे पढ़े थे सबल एवं दुर्बल अम्ल, सबल अम्ल का मतलब होता है जो अम्ल जल में पूर्णतः घुलित आयनीकृत हो जाए उसे क्या कहते हैं सबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं हो, उसी प्रकार से सबल क्षार दुर्बल क्षार, सबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, जो क्षारक जल में घुलने पर लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं उसे सबल क्षारक कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नोट सबल क्षारक जल में अत्यधिक परिमाण में OH- आयन देते हैं, सबल क्षारक जल में ज्यादा देगा OH- आयन, फिर दुर्बल क्षारक ये सब पढ़ाया हुआ है ना, दुर्बल क्षारक बोले तो वीक एसिड, वीक WEAK होगा, हाँ बेस एसिड, इंग्लिश गलती है, तुम बाद में लिखना सही करवा देंगे हम, जो क्षारक जल में घुलने पर आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सब का सब दुर्बल क्षारक वीक एसिड हो गया, आज का फिर ये भी पढ़ा हुआ है, क्षारक के गुण भी हम लोग डिस्कस पहले कर चुके थे, क्षारक का स्वाद तीखा होता है, इसका जल में मिलने साबुन जैसा चिकना चिकना हो जाए, साबुन दिखता है ना जल में घोलेगा ना साबुन भी प्रकार का क्षारक ही है, रंग जनरली क्षारक रंगहीन मिलेगा, कोई कलर इसका ऐसा नहीं, कलर नहीं जनरली मतलब ऐसे मिलेगा तुमको, कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं तथा कुछ क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं, कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, बिजली के सुधारक होगा क्षारक, क्षारक मिथाइल ऑरेंज पीले रंग में, क्षारक का घोल खुजला आग उत्पन्न करता है, क्षारक का घोल क्या उत्पन्न करेगा आग उत्पन्न करेगा, क्षारक का घोल ये पढ़ाया हुआ है पहले से, चार्ट नहीं डिस्कस किए थे हम लोग इधर, है ना, इधर नहीं डिस्कस किए थे, एक चार्ट डिस्कस किए थे, फिनोल फिलिन एलिथिलिन विलिन वाला डिस्कस किए थे चार्ट, है ना, चार्ट हम लोग दिखा देते हैं तुमको, हम जैसे ये तार देखे थे ना, देखिए फिनोल फिलिन है क्या है जी, फिनोल फिलिन है, सूचक का मूल रंग रंगहीन होता है, अम्ल के साथ रंगहीन होगा लेकिन क्षार के साथ गुलाबी रंग होगा, और मिथाइल ऑरेंज वाले वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज का अपना रंग होता है नारंगी, अम्ल के साथ लाल कलर देगा, क्षार के साथ पीला कलर देगा, बोलो क्या है समझना, ये वहाँ पे जो सर खुजली खुजलाहट उत्पन्न, क्षारक का घोल है ना खुजलाहट करेगा उत्पन्न, शरीर पर कहीं लग जाए, तुम सीधा थोड़ा बैठो, रोशनी आने दो, साबुन लगाते हो ना उसको धुआं में ऐसे रख दो,
अगर सूखेगा तो नोचेगा हाथ खुजली है तो लगा करके तुम धो लेते हो ना, शरीर से धुल जाता है ना, समझ में आ गया ना। ये भी बताएंगे कपड़ा साफ देखेंगे बाद में हम लोग, समझ में आ गया ना। अभी बोले आगे बढ़ो, अब यहाँ से समझना है टॉपिक को छारक के रासायनिक गुण। इससे पहले सब पढ़ा हुआ था कि नहीं था पढ़ा हुआ, पढ़ा कुछ नया था तो मतलब लगभग 80% 90% पढ़ा हुआ ही था। सर छारक के अब पढ़ना है छारक के, जैसे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण देख पढ़ लिए वो अपने दिमाग में खींच लेते। हाँ चलो इस फटाओ, अम्ल के रासायनिक गुण हम डिस्कस कर चुके थे, अब करेंगे छारक के रासायनिक गुण को डिस्कस हम लोग, है ना। अम्ल के अति सॉरी छारक के रासायनिक गुण। हाँ अच्छा गप करो, अगले बार फिर 2000 ले जाना। तुम बोलता कहे है, बोलबे न करो उसको, मतलब धकलता है इधर। तुम भी धक्का मारो, राजेंद्र प्रसाद का आगू से जैसे को तैसा, जैसे को तैसा छारक करेगा जब अम्ल के साथ रिएक्शन। सुनो न खाली, बाद में तो हम कान सुन रहा है ना, हो गया नहीं बनता है। अम्ल के थोड़ा सा कल दूसरा जोगार लगाएंगे, इसको इधर घसका देंगे तब तो होगा ना। हाँ। इसी कनेक्शन को यहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। हाँ, जी सर। बत्ती थोड़ा टेढ़ हो गया, अच्छा कोई उपाय सोचेंगे बाद में। देखो अभी पढ़ लो, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, इसको रखो इसे करके। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, किसका प्रतिक्रिया जी? छारक का। छारक का प्रतिक्रिया, समझ में आ गया ना। यानी कि छारक जो है, इसे पहले ये चीज पढ़ चुके हो, अम्ल से बहुत बार देख चुके हो रिएक्शन कर करके क्या बनाएगा जी? जल बनाएगा। जल पढ़ चुके हो, जैसे एग्जांपल ले NaOH एक छारक है, ये रिएक्शन करेगा अम्ल से HCl, NaCl, यही है तुम्हारा लवण और क्या बनाएगा? जल, बैलेंस ही है। समझा गया। और इस अभिक्रिया को उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब पहला चैप्टर में पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ बोले थे उदासनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। हाँ सर, अम्ल और छारक रिएक्शन करके लवण और जल, बोले थे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब डिटेल में पढ़ चुका है ना, यही जी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहला चैप्टर में थोड़ा सा इसको। समीकरण नंबर दो क्या है? समीकरण नंबर दो निकल गया मुँह से। छारक के के साथ औधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, औधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया इंग्लिश में रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, मतलब छारक का औधात्विक ऑक्साइड, मतलब जो अधातु का ऑक्साइड होगा, और धातु का ऑक्साइड होगा उसके साथ करेगा छारक रिएक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है जैसे कार्बन धातु है ना जी। हाँ। इससे करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, धातु हो गया, धातु का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इससे करेगा रिएक्शन छारक, यानी कि CaOH2 एक छारक है। अब ये काहे छारक है? OH देगा ब्रेक करने पर, इसलिए छारक है। ये जब आपस में करेगा रिएक्शन तो यहाँ पर ये गैस है, दिखा सकते हो नहीं बता सकते हो, ये यहाँ पर एक्वस है, जलीय विलयन है। ई करेगा रिएक्शन CO2 प्लस CaOH2, क्या बनाएगा? ई बनाएगा CaO3, चूना पत्थर, और जल बनाएगा H2O। समझ में आ गया ना, तो वही बनाएगा लवण और जल बनाते हैं ना, लवण और क्या बनाएगा? जल। तो देख लो, तो ठीक है, तो यहाँ से हो गया ई बनेगा यहाँ पर लवण और यहाँ पर क्या बनेगा? जल, जल। ये बन गया, ये क्या है जी? इस टाइप इसको लिख मेरे कॉपी में, ये है धातु औधात्विक ऑक्साइड, अम्ल है औधात्विक ऑक्साइड। ये क्या है बताओ? ये क्या है? छारक। तो औधात्विक ऑक्साइड प्लस छारक लवण और जल देगा। लवण क्या बनेगा? तो CaCO3 संगमरमर का CaCO3 प्लस जल H2O। ये बनेगा सॉलिड के रूप में, ये बनेगा लिक्विड के रूप में, यही हो गया रिएक्शन। समझ में आ गया। और एग्जांपल लेना होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस लो,
इसको रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये यहाँ पर एक्वस है जलीय विलयन लिंग, इसको करेंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा ये बनेगा Na2CO3 SO3 बनेगा, ये क्या बनेगा Na2SO3 यही तो है, इसीलिए तो बता रहे हैं ऐसा बनता है, नहीं तो हम थोड़े बताते हैं Na2SO3 बनेगा, समझ में आ गया ना। ये सर ही लिखा, ये है सॉलिड ग्रुप में और क्या बन जाएगा सोडियम दू गो, तो सोडियम दू गो, अब हाइड्रो अब बैलेंस ही होगा, तुम दोनों तरफ कर लेना, ये क्या होगा बैलेंस ना, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड SO3 SO3 क्या कहते हो सल्फाइड, उसका देखना वैलेंस दो होता है, देखना सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट और सल्फाइड, सुनो ऊपरी में सुनो पहले सल्फाइड होता है, अरे सुन तो लो बकबक कर रहा है, सल्फेट SO4 सल्फाइड SO3 सल्फेट सल्फाइड एक और था सल्फाइड, तीन को था होता है, सुनो एक होता है SO4 एक होता है SO3 एक होता है SO2, जाके देखना तुम, हाँ सर तीनों का नाम अलग अलग है ना, तो इसका नाम होगा सोडियम सल्फाइड, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड सल्फाइड होगा इड होगा इट में सल्फाइड बोल गया ना, तो ये हो गया, यही कुछ रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन कर करके क्या बनाएगा लवण और जल, लवण यही पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, ये सब लिखना उसे के लिए नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, आगे रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लवण के साथ प्रतिक्रिया किसके साथ करेगा रिएक्शन, लवण के, तुम्हारे बुक में है भी नहीं, अब देखो तीन नंबर में है लवण के साथ किसका रिएक्शन जी, हेडिंग दे ले लवण के साथ प्रतिक्रिया, किसके साथ करेगा प्रतिक्रिया लवण के साथ, क्षारक लवण के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे नए लवण तथा क्षारक का निर्माण होता है, लवण क्षारक करेगा किसे प्रतिक्रिया लवण से, तो देखो CuSO4 CU कॉपर सल्फेट, इसका नाम सल्फेट बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है कॉपर सल्फेट, सल्फेट समझ में, इसका नाम क्या है कॉपर सल्फेट, रिएक्शन करेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्या है लवण है, ये क्या है लवण है, यही है लवण, ये क्या है जी लवण, ई है ये क्या है क्षारक है, ये क्या है क्षारक, तुम बताओ इसका नाम क्या है KOH का, बहुत पढ़ लिया है केमिस्ट्री में, हमारे सर हाँ तुम ही को कह रहे हैं KOH के सर जी, तुम बताओ पोटासियम होले सर जी, ई हो गया हाइड्रोजन सर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नाम याद नहीं है कि OS से हाइड्रोक्साइड होगा किससे, पोटासियम ई रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH होल टू हो जाएगा, ई करेगा रिएक्शन तो नए लवण क्या बनेगा, नए लवण ई के टू बना लेगा K2SO4 के करेगा SO4 से रिएक्शन, ये हटाएगा जी इक्वल से कैल्शियम को, ये दोनों हटेगा ना आपस में, ये हटेगा तो के करेगा इस SO4 से रिएक्शन, तो के का होता है कितना मतलब एक होता है SO4 का टू होता है, क्योंकि यहाँ तो दोनों का टू टू है इसीलिए कैंसिल हो गया है ना, कॉपर का भी दो सल्फेट का भी टू होता है, दो दो दोनों बैलेंस हो गया मतलब कैंसिल हो गया, तो कैल्शियम का एक होता है पोटेशियम हो गया सॉरी पोटेशियम एक होता है सल्फेट का टू होता है, तो इसका दूसरे पर चला गया, अब प्लस क्या बनाएगा नए लवण और क्या बनेगा उसके बाद देखो नए लवण और क्या बना है CuOH होल टू, तो अब यहाँ से क्या बन गया कॉपर बचा है ना, यहाँ से क्या बचा है कॉपर, ई करेगा रिएक्शन OH से, तो हाइड्रोक्साइड का कितना होता है एक होता एक कॉपर का टू होता है, तो CuOH होल टू, यानी कि जब जब कहने का मतलब क्या होगा, एक क्षारक रिएक्शन करेगा लवण से, एक क्षारक रिएक्शन करेगा लवण से, नए लवण और क्षारक बनते हैं, नए लवण ये हो गया नए लवण, ये क्या बन गया जी नए लवण, और ये क्या बनेगा नए क्षारक, नए क्षारक वही हेडिंग लिखा है यहाँ पर, क्षारक लवण के साथ है ना, लवण के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे नए लवण तथा क्षारक का निर्माण होता है, बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ, बस यही समझना कुछ खास नहीं, सब में इसीलिए हम लोग देख रहे हैं,
जे डॉट से पूछ ले अभी ना डॉट बोलो समझ में सबको या सर नहीं ले सर हमको है यहां पे सर SO3 था तो सल्फाइड ना होता SO3 का सल्फाइड ही होता आयन हो गया है ना खैर देख लेना ज्यादा सल्फाइड का SO2 होता ना हैं तुम देखो किताब मत वही है यही होगा तुम देखो एक बार चेक कर लो देखिए तुम देख लो एक बार वेरीफाई कर लो कंफ्यूजन है तो हमको तो लगता है सही है सही ही होगा अब करेगा रिएक्शन अब करेगा रिएक्शन लो देखो उसने धातु के साथ हाँ एगो इम्पोर्टेंट है हाँ अमोनियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया अब करेगा रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ देख रहे हो खाली रिएक्शन पल्ला पड़ रहा है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छूटेगा सल्फाइड है ना SO3 पे है ना मतलब SO2 नहीं होता है तब SO2 तो होता है होता है सर सल्फाइड अथी सर अरे वो दूसरा हो गया वो SO2 क्या कहते हो सल्फेट हो गया वो क्या लिखा है देखो सुनो लाओ इधर सल्फाइट दिया सही है ये जैसे देखो सल्फेट ही तो है सर हमको कहने देगा कि नहीं हाँ। सल्फेट क्या होता है सबको सल्फाइड का क्या होता है SO3 आयन जब बनेगा ना तो सल्फाइड हो जाता है आयन में ये जानना हमको है जिसे हाँ। सल्फाइड लग जाता है हाँ ये गलत लिखा है यहाँ सल्फर होगा सिर्फ सल्फा आयन हाँ ठीक है आयन जब बनता है ना आयन जब बनेगा ना तो ईड लग जाता है जैसे देखो कुछ चीज़ का तुमको दिखाते हैं जैसे देखो क्लोरीन से अब तुम कहेगा यहाँ पर सर होना चाहिए मर्क्यूरस क्लोरीन होना चाहिए तुम कहेगा ना लेकिन क्या लगा है क्लोराइड आयन आयन जब बनेगा क्या लग जाता है आयन प्रत्यय यही सीखना है लगा देखो सब लगा है ना फेरिक क्लोराइड यहाँ भी कहेगा क्लोरीन तीन गो है नहीं कहेगा अब कहेगा ऑक्सीजन का वो होता है तो प्लम बस ऑक्सीजन होना चाहिए ऐसा होगा आयन बन रहा है ना तो ऑक्साइड नाइन्थ में ही है पढ़ने के लिए ये सब बात समझ में आ गया चलो आगे हम लोग देखते हैं और तुम देखो अभी नाम क्या देखा है नाम तुम क्या देखा है ये बताओ अभी क्या लिखे हो यहाँ पर K2SO4 देखे हो ना जी हाँ सर अच्छा मतलब क्या देखे हो यहाँ पर अभी किसका तुम पूछ रहा था खोजो इसमें तुम रुको हम खोज देते हैं अरे देखो सोडियम सल्फाइड है देखो बात तो सही है गलती कहा है किताब सोडियम सल्फाइड होगा लेकिन आईड भी चलो सही कर लेते हम लोग सोडियम सल्फाइड होगा सरवान है हमर सही यहाँ सही कर ले कहाँ सही कर ले अरे देखो यही चीज है हम बहुत जगह आईडी देखे हैं लो इसको सही कर देते हैं खुदा को रखो तो ये सर उसमें भी संजक्ता भी आप लिखाए थे ना तो उसमें वही दिए और सल्फाइड दिए थे हाँ सर ठीक है SO3 क्या नाम देते हैं हम लोग बताओ तो एक बार सल्फा अब उसमें एस का लिखल है गलती देख रहे हो उसमें एस का गलती लिखल है SO4 का क्या देखे बताओ SO4 का सल्फेट हाँ यही दिक्कत है दो तीन जब तक नहीं देखेगा ना बुक अब देखो इससे हम सब दिन पढ़ रहे थे सल्फा उसमें था SO3 उसको ठीक पढ़ रहे थे यहाँ गलत लिखा है लेकिन NCERT में लिखा होगा सही तुम देखना देख लेंगे अभी छोड़ दीजिए सर बाद में देख लेंगे हम लोग अब समझ में आ गया अब देखो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के साथ नहीं दिख रहा है क्या प्रतिक्रिया अब किसके साथ करेगा रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड देखो पीछा जो पढ़ा था ना एक तरह से वही रिपीट हो रहा है तुम देखना पिछला रिएक्शन पढ़ा था ना वही क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है वही इसलिए यदि पहला चैप्टर कंट्रोल कर लेते हो ना तो बहुत आसान हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड बोले तो NH4Cl देखो आइड NH4Cl Cl इसका नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड ये करेगा मान लो NaOH से रिएक्शन क्षार है ना इससे करेगा रिएक्शन तो सोडियम बना लेगा क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड क्या बना लेगा NaCl NaCl Cl लवण बनाया और क्या बनेगा NH4O जल बना लेगा H2O ये हाइड्रोजन है ना ये बना लेगा जल एक हाइड्रोजन यहाँ सुनो एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा इसमें H2O क्या बन गया जल एक हाइड्रोजन लेते यहाँ क्या बचेगा NH3 क्या कहते हो अमोनिया अच्छा NH3 का अमोनिया है NH4 का अति अमोनियम देखा ये सब कंफ्यूजन वाला चीज है थोड़ा थोड़ा का गलती जैसे अब NO2 पड़ता है NO3 पड़ता है SO2 SO2 SO3 SO4 ये तो लगा रहता है तो हम बुझ जाते हैं थ्री है
आइट ऐसे एट लिखल रहता है तो बुझ जाते हैं फोर है, क्या है कि एट जहाँ नाइट्रेट का होता है तो एनो फोर होता है, वही है वही सगरे यूज होता है, रटने वाला है, ध्यान रखो सब तुम लोग, है ना। अब लास्ट रिएक्शन इसका देखेंगे, चलो पकड़ो इसको। अब करेगा रिएक्शन धातु के साथ प्रतिक्रिया, धातु के साथ प्रतिक्रिया। तो धातु के साथ देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा है, ये सही है, ये लिखा हुआ यहाँ पर है ना। हाँ ये अब जो ये पढ़ाएंगे ना लैंग्वेज जील का रिएक्शन है, स्पेशल केस है, ये लिखा देते हैं एनसीईआरटी में भी, ये चीज़ है एनसीईआरटी में भी हम उसको देखते हैं, है ना। तो हम देखे थे ये चीज़, यदि पूछेगा ना तो कितना आदमी गलती कर देगा इसमें, इस चीज़ को देखने वाली बात है ना। निकाल के तुमको दिखाते हैं उस चीज़ को, है या है देखो, है ना। ये रिएक्शन यहाँ कुछ अलग ही, तुम जो सोचेगा ना वो नहीं बनता है, यहाँ कुछ अलग ही बनता है, बताने के बाद चलेगा पता। नेक्स्ट पेज लाओ देख लेता, अभी इस पर छोड़ दो जगह, नया पेज ला दो थोड़ा सा। अब देखो तुमको याद था ना, घर लिया तो गलती किताब से देख लेते ना, इसीलिए कहते तुम लोग याद करो, बना गया ना, याद करना है तुमको। चलो हटाओ। हाँ तो क्या नंबर था, नंबर बता दो लास्ट नंबर, किसके साथ रिएक्शन था? धातु के साथ था सर, धातु के साथ प्रति कितना करेगा उठक पटक, मतलब वही है इसके साइंटिस्ट ने इसे करा रिएक्शन। अच्छा इसे कराते हैं रिएक्शन, इसे कराते हैं रिएक्शन, उसे करा लिया हमको कपार बोझ लाद दिया, अब तुम कराते रहो हमें मेहनत कर भी। धातु के साथ प्रतिक्रिया जस्ता जो है, प्रेशर मत लो थोड़ा सा, सुनो ये अभी जो बताएंगे ना ये एक स्पेशल रिएक्शन है, इस ये रिएक्शन करेगा तो इससे यही बनेगा, बाद में दूसरा कुछ अलग बनता है, इसीलिए थोड़े बता देते हैं, जस्ता पड़ेगा। हाँ इसको याद ही कर लेना, जस्ता अल्मोनियम आदि कुछ धातु ऐसा है वो क्षारक से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जस्ता उसके अलावा और कुछ धातु है जो क्षार से प्रतिक्रिया कर करके, यानी क्षारक से प्रतिक्रिया कर करके क्या बनाए, लवण और H2 बनाए, H2 बनाए गैस। ऐसा रिएक्शन हम लोग अमल में भी देखे थे। हाँ सर, जस्ता जस्ते के टुकड़े पर, जस्ते के टुकड़े पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, दाहक सोडा, इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है, कभी बताए थे? हाँ जी सर, लिखे वो, हाँ सर उसमें नहीं लिखा है। हाँ इसके बारे में अलग से, इसके बारे में अलग से पढ़ने के लिए टॉपिक तुमको है, सब सोडा मीठा सोडा बैंकिंग सोडा सब सोडा दिखाएंगे, है ना। हाँ तो जस्ते के टुकड़े पर दहक सोडा का घोल डालने से, जस्ता का टुकड़ा मान लो है, इस पर दहक सोडा का घोल डालेगा, या इसी को क्या कहते हो, इसका नाम है दहक सोडा, छाड़ने से दहक सोडा, या इसी को कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसमें आयन होगा, इसमें लग जाएगा आयन वाला, इसमें OH का क्या नाम है बताओ, OH को क्या कहते हो, हाइड्रोक्साइड कहते हो ना। हाँ सर, हाइड्रोक्साइड ही है, समझ में आ गया ना, आयन पड़ती है, नहीं तो मैं रिटर्न देने के लिए इसके बारे में। तो ये करेगा रिएक्शन, तुम बताओ क्या बनाएगा, ये बोलेगा तुम बताओ क्या बनेगा, कहाँ से नहीं बता पाएगा, जान लो ZN तो तुम देखा है तब ना, कसम से नहीं देखता है कि देखिए सकता श्रेणी के अनुसार हम। हाँ वो सब रूल यहाँ सब फेल कर जाएगा, Na2ZnO2 इसका नाम है, इसका नाम है, इसलिए तो जरूरी है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, समझ में आ गया ना। यदि कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो लड़का पक्का गलती कभी सोचन करेगा कि बनेगा। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी में भी है, देखो है ना एनसीईआरटी पहले है तो ऑप्शन नहीं फैल के, चलो ठीक है प्लस H2, क्या ये समझ में आया तुम लोग को। अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो तो अपना बाहर निकल जाएगा, ये समझ में आ गया। चलो लास्ट है जो कि तुम पढ़वे किया है उसको भी एक लिख लेते हैं, जल के साथ प्रतिक्रिया, जल पूरा भार दे देता है टेबल पर, जल के साथ प्रतिक्रिया, जल के साथ प्रतिक्रिया, किसके साथ करेगा प्रतिक्रिया, जल के साथ करेगा प्रतिक्रिया, कर दे जल। हाँ तो वही देखो एग्जांपल, देखो जो पहले पढ़ा है NaOH है ना जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डालेगा तो क्या होगा, सोडियम
सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाती है। पढ़ा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड को डालेगा किस में डालेगा जल में, तो पोटासियम का एक प्लस हाइड्रोक्साइड का जल में टूट जाएगा। फिर देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखा तो सी ए प्लस प्लस और टू हाइड्रोक्साइड माइनस में ब्रेक कर जाएगा। तो यही हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज, बहुत अम्ल और क्षार में तो लगभग तो मान लो रिएक्शन सब है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी सर। अभी अम्ल का रिएक्शन कराया धातु के साथ और धातु कुछ भी प्रकार कराया ना, ये भी कराया। ये सबसे इम्पोर्टेंट अब पीएच है, पीएच मान, पीएच के बारे में पढ़ाएंगे। पीएच है क्या सर, अलग डिश भी हम बनाएंगे इसका जी सर।